वेलकम टू ईटाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लो डाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। थप्पड़ के रिलीज से पहले सुपरस्टार आमिर खान ने तापसी पन्नू और फिल्म की टीम को विश किया गुड लक। अक्षय कुमार की ही तरह अब आलिया भट्ट भी करने जा रही हैं एक सोशल ड्रामा फिल्म। आमिर खान ने तापसी पन्नू को विश किया गुड लक। आमिर ने फिल्म थप्पड़ की रिलीज पर फिल्म की टीम को दी बेस्ट विशेस। आमिर खान ने फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़ की रिलीज के पहले सोशल मीडिया पर इस फिल्म को गुड लक विश किया है। आमिर ने फिल्म थप्पड़ का ट्रेलर शेयर करके ट्वीट किया, डियर मृण्मयी, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिलीज ऑफ योर फर्स्ट राइटिंग असाइनमेंट। थप्पड़, ऑल द वेरी बेस्ट मृण्मयी, अनुभव, तापसी एंड द एंटायर टीम, चीयर्स ए। इस वीक रिलीज हो रही है। इस फिल्म में तापसी कैरेक्टर डिसाइड्स टू रीअसेस हर मैरिज आफ्टर हर हस्बैंड स्लैप्स हर इन अ पार्टी। वेल, इससे पहले आमिर खान ने रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 की रिलीज पर भी रानी मुखर्जी को कंग्रेचुलेट किया था और एक ट्वीट के साथ इस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट शेयर की थी। तब आमिर खान लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में बिजी होने की वजह से ये फिल्म नहीं देख पाए थे। What made you, what made this whole idea resonate with you? Let's go there. I've been saying this all through our promotion, तो मैं सपने में बोल सकती हूँ। Three out of five women go through it. Recently got to know 80% of women go through it. Reported, unreported मिला के धक्के से लेके थप्पड़ से लेके फुल ऑन मारपीट तक। तो अगर मैंने अपने घर में नहीं तो मेरे दोस्त के साथ हो रहा है या मेरे पड़ोसी के साथ तो हो ही रहा है। तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा इससे इफेक्ट होने के लिए या इन्फ्लुएंस होने के लिए। सो इट वॉज एज ईजिली विजिबल अराउंड एज पॉसिबल। सो आई फेल्ट लाइक हम एड्रेस तो करते हैं काफ़ी फिल्मों में ये वाली चीज़, बड़ी सब लेयर में होती है, बट जो सामने हेड ऑन कोई डील नहीं कर रहा था। सो व्हेन सर टोल्ड मी दिस आइडिया आई हैड टू जंप ऑन इट एंड आई एम वेरी गुड एट, मैं रुमाल की जगह खुद ही बैठ जाती हूँ पूरे आइडिया पर। सो आई डिड दैट कि मैं ही करूँगी ये, क्योंकि आई हैड दिस थिंग इन माई हेड। कभी जो बाकी पिक्चर आती है जो मेरे मुद्दों वाली होती है मैंने कभी सोची नहीं थी मेरे पास आएंगी, बट हाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी सालों से थी। जिस दिन इतनी कैपेबिलिटी होगी कि एज एन एक्टर आई कैन लीड अ फिल्म, इट वुड हैव बीन ऑन दिस इशू एंड इट सो हैपेंड लकीली इट वाज हिम हू केम अप विद द आइडिया एंड इट इज़ ही एज अ राइटर, बिकॉज आई वर्क विद हिम बिफोर इन मुल्क, आई नो द वे ही राइट्स, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज डायलॉग, सो आई न्यू दैट दिस इज इन परफेक्ट हैंड्स। सो इट कुडंट हैव बीन बेटर कि ये मुद्दा एंड मेरा और ये मुद्दा दोनों हम इनके हाथ में थे, कुडंट हैव बीन बेटर। So yeah, I had to do it. There was no two way. I would have fought for them if you would have done it with someone else. You made a beautiful film, and you should always be proud of it. फिल्म नोटबुक के स्टार ज़हीर इकबाल ने अपनी फिल्म के फेलियर पर किया रिएक्ट। ज़हीर ने किया रिवील, सलमान खान ने कहा था फिल्म का रिजल्ट जो भी हो उन्होंने बनाई है एक अच्छी फिल्म। He had told Nitin sir and me on the day of the screening. We walked out and he had said that after he saw the film complete for the first time, he said no matter the fate of this film, just remember that you made a beautiful film and you should always be proud of it, which is true. We are really proud of the film and we know we've made a beautiful film, but the box office, I mean, you sometimes there are 100 forces that work towards it. Your pehle kya aaya, aage kya aaya, saath mein kya aaya, what's happening around in the country affects. फिल्म नोटबुक से सलमान खान ने काफी जोर शोर से ज़हीर इकबाल को बॉलीवुड में लॉन्च किया था, लेकिन ये फिल्म ऑडियंसेस को इम्प्रेस नहीं कर पाई और अब
Zaheer Iqbal इसे भूलकर आगे बढ़ रहे हैं. Honestly, the unhappiness comes from the fact that no one has said anything bad about the film. Mm-hmm. Everyone loved the film, but it did not make the box office. So that's just the fact that makes me unhappy. That everyone loved it, then they should have seen the theaters. Because I'm very proud of the film. It's a great film. I've not heard anything bad about the film from anyone. And I'm not just talking about my friends or family. Everyone who's seen the film has said either they've loved the film or they've said it's a sweet film. It's a nice film. No one has said it's a bad film. Or ye kya bana diya? Or ye kya bhalti acting kar li? So I'm very happy and proud of the film. But it's okay. The next one. वैसे ज़हीर ने अब तक अपनी दूसरी फिल्म साइन नहीं की है, लेकिन रूमर्स सामने आए थे कि ज़हीर का नाम फिल्म सत्ते पे सत्ता के रीमेक के लिए कंसिडर किया जा रहा है, और इस पर ज़हीर ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में किया रिएक्ट. सत्ते पे सत्ता इज इट हैपनिंग? बिकॉज़ नॉट विद मी, नॉट विद मी. आई मीन, आई हर्ड फ्रॉम ज़ूम ओनली दैट आई एम डूइंग सत्ते पे सत्ता, बट नो, आई एम नॉट. वेल, ज़हीर इकबाल ने पहले तो फिल्म में काम करने की न्यूज से इनकार किया, लेकिन फिर ये जरूर कह दिया कि अगर फराह खान चाहेंगी तो वो इस फिल्म में जरूर काम करेंगे. As of now, I mean, if Farah man wants to take me, then I'll be glad, I'll be the happiest. वैसे हाल ही में खबर आई थी कि सलमान खान ज़हीर इकबाल का नाम अपने फिल्म मेकर्स फ्रेंड्स को रेकमेंड कर रहे हैं. यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में सलमान खान ने ज़हीर इकबाल को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए साइन कर लिया है. वेल, ज़हीर इकबाल के ऊपर सलमान खान का हाथ बना हुआ है, ऐसे में उनके पास चांस है टू मेक इट बिग इन बॉलीवुड. जब तैमूर अली खान से मिले कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन ने बताया कि कैसा था उनके मिलने के बाद तैमूर अली खान का रिएक्शन. I did meet him. Where? He knows me. I'm so happy that he knows me. कार्तिक आर्यन जो आजकल भूल भुलैया 2 की शूटिंग में बिजी हैं, रिसेंटली मिले अपने लव आजकल को स्टार सारा अली खान के लिटिल ब्रदर तैमूर अली खान से. और कैसी रही कार्तिक और तैमूर की ये मीटिंग, आइए कार्तिक से ही जानते हैं. कार्तिक, यू हैवंट मेट तैमूर? हां, यू हैवंट मेट तैमूर? नो, आई हैवंट मेट तैमूर. सो यू जस्ट लुकिंग एट हिज पिक्चर्स लाइक वी डू? या. Him and the nanny. Yeah. There's a lot of bad. Sarthik. Oh, sorry, I've met them. I've met. Oh, you have? Yes, yes, I have. You have? Yeah, I have. Where did you meet him? I did meet him, Dino. I did. Where did you meet him? I met him. Where did you meet him? Why is that a question? Don't lie. I did meet him. Where? He knows me. Where did you meet him? I'm so happy that he knows me. Where did you meet him? He said ka. Where did you meet him? He didn't mean Karishma. K A ka. Ka. I'm very curious about this. How many times did you just ask me that question? You have repeated 10 times. Just tell me where you met him. I met him in Delhi. You met Taimur in Delhi? Yeah. In the hotel, like you were passing by and you saw him. Yeah. Which hotel? Oh, sorry, Imperial. In Chandigarh. I was shooting for Dostana. Oh. And they were shooting for Lal Singh, I think. Oh, okay. So Kareena and they were traveling together, Taimur. Oh. Okay. Taimur was कार्तिक ने बताया कि उनकी और तैमूर की मीटिंग तब हुई थी जब वो अपनी फिल्म दोस्ताना 2 की शूटिंग कर रहे थे, और नियर बाय स्टूडियो में ही करीना कपूर भी अपने एक अपकमिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. हालांकि कार्तिक आर्यन इस दौरान तैमूर अली खान के साथ पिक्चर क्लिक करवाना भूल गए. I didn't get a chance to click a photo though, but yeah, I'm happy. Okay. Next time I will check. You should. I should, right? Yeah. जहां तैमूर मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी किड है, वहीं कार्तिक यंग जनरेशन के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक है. फिलहाल कार्तिक आर्यन हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 2 और दोस्ताना 2 की शूटिंग में बिजी हैं, और जल्द ही वो एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आएंगे.
साइन की एक सोशल ड्रामा फिल्म। हिंदी मीडियम फेम डायरेक्टर साकेत चौधरी की सोशल ड्रामा को आलिया भट्ट ने दिया गो अहेड। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग पूरी करके आलिया भट्ट इस फिल्म पर काम शुरू करेंगी। सोर्सेस का कहना है कि फिल्म के मेल लीड की तलाश अभी भी चल रही है, लेकिन आलिया भट्ट ने इस फिल्म को हाँ कह दिया है। फिल्म से जुड़े एक सोर्स का कहना है, साकेत हैज बीन वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट फॉर अ व्हाइल नाउ। ही वाज कीन ऑन कास्टिंग आलिया, हु लाइक्ड द स्क्रिप्ट एंड हैज गिवन हर नॉड। She is expected to sign on the dotted line shortly. Meanwhile, hunt for the leading man is still on. The team will finalize the shooting schedule once the entire cast is locked. Saket has also begun initial recce for appropriate locations. Sources ke mutabik Alia Bhatt ki is film ko Sajid Nadiadwala produce karenge. Alia Bhatt isse pehle Sajid Nadiadwala ke saath Highway, Two States aur Kalank jaisi films mein kaam kar chuki hain. वैसे आलिया भट्ट फिलहाल पूरी तरह अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग में बिजी हैं। सोर्सेस का कहना है कि आलिया भट्ट इस फिल्म को दे रही हैं अपना मोर देन 100%, क्योंकि संजय लीला भंसाली के साथ वो इस फिल्म पर काम कर रही हैं और शी डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग टू गो फॉर अ टॉस। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान आलिया ने एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया था। Can't even begin to talk about Gangubai's experience. I mean, I'm still experiencing it. Like I've taken a day off to come here. I go back to shoot tomorrow, literally. We are working very, very hard every day, but it's been every day on set. We feel so much more charged because of the kind of response the first look got. Like I don't think my poster has ever gotten a kind of response that Gangubai got. But I don't think I expect anything less in terms of a transformation when I'm working with Sanjay Leela Bhansali, because he is known to, you know, make you look just the way you've never looked before. And I don't only mean like beautiful, pretty. Of course, all those things are there, but also he transforms you as a character. And that's what I feel like. I've become Gangubai. It's very difficult for me to go out of it right now. Yeah. Wow, we loved it. Yeah, I hope you love the film, and I hope. But we're working very, very hard, and I'm quite excited about it. वैसे हाल ही में ये खबर आई थी कि आलिया भट्ट के बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर मुंबई के फिल्म सिटी में काम करने के बावजूद वहीं लगे आलिया के फिल्म के सेट पर नहीं जाते, और अपेरेंटली इसका रीजन ये है कि रणबीर कपूर इज नॉट इन गुड टर्म्स विद डायरेक्टर संजय लीला भंसाली। यही नहीं, एक वेबसाइट ने सोर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दी है, रणबीर वॉन्ट्स टू अवॉइड कमिंग फेस टू फेस विद आलिया भट्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली एट एनी कॉस्ट। संजय लीला भंसाली एंड रणबीर कपूर हैड अ मैसिव फॉल आउट व्हेन रणबीर मेड हिज डेब्यू इन भंसाली सावरिया। थिंग्स गॉट सो बैड बिटवीन देम दैट रणबीर वाउड टू नेवर वर्क विद भंसाली अगेन एंड ही केप्ट हिज वर्ड। वैसे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ नजर आने वाले हैं, और हाल ही में बिग बी के साथ मिलकर उन्होंने अनाउंस की इस फिल्म की रिलीज डेट। Welcome to E-Town News. We have with us Avriti Chaudhary, who is Liva Miss Diva Supra National 2020. Avriti, welcome to Zoom. Great to have you. So Avriti will be representing India at Miss Supra National 2020. Avriti, kitni excited hai. Firstly, what was your reaction jab aapne aapka naam suna stage pe? You know that crowning moment jo hota hai. Aapne aapka naam suna, you will be representing India. To kya reaction tha? बहुत खुश थी। इट वॉज इंस्टेंटली, इट वॉज लाइक येस आई डिड इट। एंड आई टेल यू वॉट हैपेंड वॉज, आई वेंट देयर, माई क्राउनिंग हैपेंड एंड आई गॉट सो इन टू द मोमेंट। आई वॉज सपोज टू वेट देयर फॉर द ग्रेटिफिकेशन एंड आई वेंट अहेड एंड आई स्टार्टेड वीविंग एंड एवरीथिंग एंड आई केम बैक टू माई पोजिशन एंड एवरीबडी वॉज आवृति गो बैक गो बैक। इट वॉज वेरी स्वीट, बट इट जस्ट शो दैट आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम दैट फाइनली इट हैपेंड, द थिंग दैट आई वॉज ड्रीमिंग फॉर सिंस अ लॉन्ग टाइम। इट फेल्ट रियली ग्रेट। तो कैसा था जर्नी आपका? माई जर्नी हैज़ बीन रियली इनक्रेडिबल। तो क्या होता है ना, जब हम यहाँ आते हैं तो एक मिसकंसेप्शन रहता है दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ कॉम्पिटिशन, बट एक्चुअली इट वॉज अ वेरी हेल्दी एंड फ्रेंडली कॉम्पिटिशन। आई मेड सच गुड फ्रेंड्स हियर, वॉज हेल्प मी लर्न अ लॉट। Because when I came here, I had some little knowledge about this, little knowledge about that. But when you come here, they're like,
नो स्वीटी इसको थोड़ा ऐसे करो, इसको थोड़ा ऐसे करो. सो यू डोंट रियलाइज बट डे बाई डे यू आर गेटिंग बेटर इन एवरी एस्पेक्ट. एंड आई गेस दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें रेस अकेले नहीं जीतनी है, सबको साथ में लेके चलना है. सो या और अभी मिस सुपरा नेशनल में भी आप जाएंगी, डज इट फील लाइक अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है? लाइक क्या कुछ प्रेशर है आप पे ऐसा? आई वुडंट से एग्जैक्टली प्रेशर बट ऑब्वियसली दिस क्राउन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू लुक अप टू मी द वे आई होल्ड माई सेल्फ. आई यूज दिस प्लेटफॉर्म टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट अदर पीपल. सो ऑब्वियसली विद दिस क्राउन कम्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. And how do you plan to go about it? Like, do you have a plan in mind? Do you have a strategy in mind? How are you going to prepare for the international pageant? So I guess international platform pe jaane se competition aur tough ho hi jayega. So jitne bhi aspects hai, sab pe kaam karna to zaruri hai. But I am majorly focusing that main apne stress ko kaise acche se handle kar sakti hu. Kyunki stress mein perform karna हर किसी के लिए इजी नहीं है. परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है. तो वहाँ जाके भी कितना भी कंपटीशन हो पर मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ. और उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस लगती है टू वर्क अंडर प्रेशर. सो दैट इज़ व्हाट माय गोल इज़ गोइंग टू बी. एंड व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ऑल द फेलो कंटेस्टेंट्स हु यू विल बी मीटिंग एट मिस सुपरा नेशनल? ओके, हाय द सुपरा सिस्टर्स, आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू कम देयर एंड talk to you, experience your culture, and I hope by the end of the pageant I have friends all over the world. And do you have, like, what are your plans? Like, do you have any particular area that you want to address, you know, at Miss Supranational? Any social cause, any issue that you want to talk about on the international pageant? So the social cause that I have been vocal about is mental health awareness. That is, everybody is going through something or the other. Mainly that I feel that people are struggling with low self-esteem, insecurities, and accepting themselves on a daily basis, because this is what I have been through. And I also realize that the proper age bracket, the students basically, college students and school students go through this a lot. And I don't find them dealing with their mental health issues very in a very healthy way. So I want to share my story that whatever I have faced, I have come here, I have pushed my boundaries and I have achieved my dreams, and you can do that too. Don't let all these hold you back, and you know, embrace your true personality and live up to your full potential. Any message for the fans and for the people who have been supporting you and supporting you henceforth? I want to thank all of you. It means a lot that you have followed my journey, invested so much time, and I'm really grateful for all the love and support that you've given me. And please continue showering your love on us and following us. It means a lot. Thank you. Coming up on the show, Jacqueline Fernandez ke saath ek music video mein nazar aayenge Big Boss fame Aseem Riaz. Jacqueline Fernandez के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगे बिग बॉस फेम असीम रियाज. बिग बॉस से बाहर आने के ठीक बाद मिला असीम रियाज को इस म्यूजिक वीडियो का ऑफर. सोर्सेस का कहना है कि इस ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग के रीमेक में जैकलीन फर्नांडिस के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे असीम रियाज. बिग बॉस के घर के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक असीम रियाज की पॉपुलैरिटी शो के विनर सिद्धार्थ शुक्ला से कम नहीं थी. यही प्यार वजह है कि नेक टू नेक फाइट में सिद्धार्थ शुक्ला ने दी थी असीम रियाज को मात. और अब इसी पॉपुलैरिटी का नतीजा है कि असीम रियाज को इस गाने में मिली है जगह. वैसे जैकलीन फर्नांडिस इससे पहले भी म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुकी हैं और अपने इस सॉन्ग को लेकर जैकी ने कहा है, इट हैज बीन टर्न्ड इनटू अ पेपी ट्रैक
through which we will be narrating an engaging story. Shabina Khan, who is choreographing it, has given me some desi steps and traditional moves. But at the same time, it will be modern too. अपने इस सॉन्ग के लिए जैकलीन फर्नांडिस ने की है क्या प्रेपरेशन और उन्होंने अपनी तैयारियों को लेकर बात करते हुए कहा है शबीना हैज बीन हेल्पिंग मी परफेक्ट माय मूव्स एंड एक्सप्रेशंस वी हैव बीन रिहर्सिंग डिलिजेंटली टू गेट एवरी न्यूआंस राइट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद असीम फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी Well, Jacqueline Fernandez is all set to show her jalwa in the song. Aur ye ek achha mauka hai for Aseem Riaz to grab some more limelight. वैसे कहा जा रहा है कि असीम बॉलीवुड में भी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और जैकलीन फर्नांडिस के साथ उनका ये सॉन्ग विल डेफिनेटली हेल्प हिम वैसे इस सॉन्ग को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार और उनका कहना है कि ये सॉन्ग डेफिनेटली होगा एक चार्ट बस्टर इट इज अ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग बट तनिष्क बागची कंपोजर हैज मॉडर्नाइज्ड इट गिविंग इट हिज ओन यूनिक ट्विस्ट आई हैव ऑलवेज एंजॉयड फोक सॉन्ग्स एंड वांट द यंगर जनरेशंस टू गेट फैमिलियर विद देम वी विल लुक फॉरवर्ड टू सी जैकलीन एंड असीम इन दिस अपकमिंग सॉन्ग अली फजल ने मालदीव्स वेकेशन के दौरान गर्लफ्रेंड रिचा चड्ढा को किया प्रपोज और रिपोर्ट्स के मुताबिक रिचा चड्ढा ने अली फजल को कह दिया है यस एंड दे आर गोइंग टू गेट मैरिड इन द मंथ ऑफ अप्रैल वेल हाल ही में रिचा चड्ढा और अली फजल के मॉनसून वेडिंग की न्यूज सामने आई थी लेकिन अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई में अप्रैल महीने में क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स के बीच दे विल टाई द नॉट सोर्सेस का कहना है कि दिल्ली में फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के बीच रिचा और अली की रीति रिवाज के हिसाब से शादी होगी और फिर मुंबई में अपने दोस्तों के लिए ये स्टार्स थ्रो करेंगे एक ग्रैंड पार्टी जहां पूरा बॉलीवुड नजर आएगा वैसे सोर्सेस का कहना है कि रिचा चड्ढा और अली फजल अपनी प्राइवेसी के लिए शादी से जुड़ी हर न्यूज को सीक्रेट रखना चाहते हैं। यही वजह है कि ऑफिशियली कुछ भी बोलने से ये दोनों ही स्टार्स बच रहे हैं अली और रिचा की लव स्टोरी की बात करें तो दे आर मैडली एंड डीपली इन लव और सोशल मीडिया पर नजर आने वाली उनकी ये पिक्चर्स और वीडियोज है इस बात का सबूत फजल और रिचा चड्ढा ने लगभग एक साल पहले फिल्म विक्टोरिया एंड अब्दुल के प्रीमियर पर साथ पहुंचकर कर दिया था कंफर्म दैट दे आर इन अ रिलेशनशिप और रिचा चड्ढा ने कुछ समय पहले खुलकर अपने बॉयफ्रेंड अली फजल को लेकर की थी बात आई सेड इट्स अ मिरेकल बिकॉज इट्स रेयर टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल हु शेयर सर्टेन कोर वैल्यूज एंड हैव सिमिलर इंटरेस्ट Like poetry, music, films and literature. Ali is also progressive and liberal. To find someone like that in your industry is rare. Also, we never expected to end up together. It happened organically. वैसे शादी की डेट को लेकर ऑफिशियली जब रिचा चड्ढा से सवाल किया जाता है वो उसे स्मार्टली टाल देती हैं। We don't have time. If we were to talk about marriage, it will be like, I don't have dates in March, May is too hot, we are shooting a film in June, it rains too much in July. It will become like a line production job. We are waiting and chilling and we are in a happy space. Well, लेकिन रिचा चड्ढा की इन कोशिशों के बावजूद उनकी शादी की टेंटेटिव डेट और लोकेशन के बारे में मीडिया को पता चल चुका है एंड नाउ फैंस कैन नॉट कीप काम